हेलो बच्चों, आज हम आपको पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दो लाइन बोलना चाहेंगे, तो इससे आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। लीजिए, आज का टॉपिक भी कुछ इसी पर आधारित है। आगे आगे बढ़ना है हमको, पैसिव वॉइस बनाने की शॉर्ट ट्रिक। वर्ब में जहां एस या ईएस या डज या डू हो तो आगे आगे बढ़ना है हमको, इज आर एम लगाना है। नंबर दो, हैज और हैव आ रही हो तो आगे बढ़ना है हमको, हैज बीन और हैव बीन लगाना है। और अगर विल और शैल आ रही हो तो भी हमको आगे बढ़ना है, विल भी और शैल भी लगाना है। और इसके अलावा अगर इज आर एम बाज बर हो तो उसके साथ बींग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा? बींग जोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले तो पैसिव वॉइस को, टेंस को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमें यह सूत्र ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स हिंदी में होती है वस्तु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद V3 लिखेंगे। V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अदर शब्द आ रहे होंगे, उनका प्रयोग करेंगे। और सबसे लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है कोई व्यक्ति। देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ही मेक्स सी, इसमें एस या ईएस लगा है, आपको दिख रहा है। तो हमने क्या किया कि एस या ईएस इज आर एम में बदल जाती है। तो टी एक वचन हो गया, तो इसके साथ टी इज मेड बाय हिम। अब आप देखोगे यहां नंबर डले हुए हैं 1 2 3, यानी हमको 1 2 3 का मतलब यह है कि 3 को पहले नंबर पे ले आओ और दूसरे को तो दूसरे नंबर पे ही रहने दो, और पहले को सबसे लास्ट के नंबर पे पहुंचा दो। यानी आपने एक गाना सुना होगा कि दुनिया एक नंबरी तो मैं हूं 3 नंबरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं हूं 3 नंबरी। तो 3 नंबर को पहले ले आओ, फिर 2 नंबर को लिख दो और फिर 1 नंबर को लिख दो। आप कहोगे कि ही की जगह पे आपने हिम कैसे कर दिया? तो ये आप चीज याद रख लो कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, बी का अस हो जाता है, आई का मी हो जाता है, हु का होम हो जाता है और दे का देम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, दे डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमको। तो सॉन्ग्स थर्ड नंबर पे था, हमने पहले नंबर पे रख दिया सॉन्ग्स। उसके बाद बर नॉट संग। अब इसमें सॉन्ग्स बहुवचन था इसलिए हमने बर लगा दिया। तो सॉन्ग्स बर नॉट संग बाई देम। अभी आपको बताया था दे का देम हो जाता है। दीजिए, आपके हो गए पैसिव वॉइस। इतने सरल पैसिव वॉइस थे। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिए हो, आज्ञावाचक वाक्य दिए हो, तो आपका सूत्र बनता है लेट प्लस डॉट डॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ये आप नहीं बना पाओगे, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। नंबर एक, ओपन द डोर। तो हमने लेट लगा दी सबसे पहले, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो आपका हो गया लेट
द डोर बी ओपन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, रिपेयर योर मोबाइल। लेट लगा दीजिए सबसे पहले, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट योर मोबाइल बी रिपेयर्ड। और आप ये ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगती है। वेरी गुड, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू वेरी मच।